very carefully. I want to share with you two things that will really bless you because this is what God showed me. I want to share with you this. दो चीजें आपके साथ बांटना चाहेंगे जो आपको आशीष पहुंचाएगी और परमेश्वर ने भाई के साथ ये बांटा है. Verse 25. Now we have, hello, can I finish now? I want to pray now quickly. Okay, are you ready? जब साथ में हैं तैयार हैं. Listen. ध्यान से सुनिए. Now read verse 25. 25 वचन पढ़ो. Exodus 15 verse 25. निर्गमन का 15वां अध्याय 25वां वचन. Hurry up, guys. जल्दी से. So he cried out to the Lord. Now Moses. अब देखिए मूसा. And the Lord showed him a tree. तब मूसा ने प्रभु की दोहाई दी और प्रभु ने उसे एक पौधा बतला दिया. And he cast it into the waters, and the waters were made sweet. और उसने उसे पानी में डाला तब वो पानी मीठा हो गया. Write this down. लिख लो इसे. How to handle a trial? और कैसे परीक्षाओं को निपटते हैं? Okay, how to handle a trial, please. और कैसे परीक्षाओं से निपटा जाता है? Please write this down. मेहरबानी करके लिख लो इसे. This may seem simple, but it's very important. That's very important. और भले ये बहुत ही आसान सा सुनने में लगे मगर बहुत ही मायने रखने वाली बात है. Listen to this. सुनो इसे. See what it says. देखो वचन क्या कहता है. It says Moses cried out unto the Lord. और बाइबल ऐसा कहती है कि मूसा जो है परमेश्वर को पुकार उठा. The people were facing the trial. और वहाँ पर लोग परीक्षाओं का सामना कर रहे थे. They transferred it to Moses. और उन्होंने इस बात को मूसा को सौंप दिया. There are some of us. और हम में से कुछ लोग हैं. We can transfer our problem to somebody like our mother or father or husband or wife and say now you see this now. और हम अपनी समस्याओं को दूसरे किसी पर अपने माता पिता भाई बहन पति पत्नी जिस पर भी थोप देते और कहते तुम देखो अब ये. Now Moses. और मूसा. Where does he transfer it? अब वो किस पे सौंपे? Hello. The people brought their problems to a man. लोगों ने अपनी समस्याओं को इंसान के पास लाया. And the man said. और फिर उस मनुष्य ने कहा. Whom do I transfer it to? मैं ये समस्या किसको सौंपूं? He took his trial to the Lord. Tell your neighbor, take it to the Lord. Hallelujah. और उसने अपनी परीक्षाओं को प्रभु के हवाले किया. Come on, somebody say, take it to the Lord. और कोई तो कहे इस समय कि प्रभु के पास ले जाओ. This is what you and I must do. Yes, you must ask people to pray for you. But at the end of the day, you must learn to take your burden to the Lord. हाँ, ठीक है कि आप लोगों से कहते हैं आपके लिए प्रार्थना करने ठीक है मगर दिन के आखिर में ऐसा करना सही है कि आप अपनी समस्या को खुद प्रभु के पास लेके जाओ. You don't send prayer requests to 1000 people and hoping they'll pray. No, they'll only send you prayer requests messages back. Yes, I am praying and they are shopping in some mall. और देखिए हजारों लोगों को अपनी प्रार्थना गरज भेजकर ऐसा मत सोचिए कि वो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं. नहीं, वो आपके लिए जवाब देंगे कि हाँ हम प्रार्थना कर रहे हैं मगर वो तो शॉपिंग मॉल में खरीदारी के लिए ढूंढ रहे हैं घूम रहे हैं. Give me a fix on this, okay? Come on. Don't worry, I'm praying for you. अब फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं. They are dancing in some wedding. और शादी समारोह में कहीं पर वो नाच रहे हैं. They're not praying. वो प्रार्थना नहीं कर रहे. Hello. Very few people pray. बहुत ही कम लोग प्रार्थना करते हैं. Nowadays people just have ready-made messages. और इन दिनों में तो बना बनाया हुआ संदेश लोगों के पास तैयार रहता है. Don't worry, the Lord is with you. और फिक्र मत करो. With you and angels are with you, but I am shopping. प्रभु हमारे साथ है स्वर्गदूत हमारे साथ है मगर मैं खरीदारी कर रहा हूं. They don't pray for you. वो आपके लिए प्रार्थना नहीं करते. They're doing some other work and they're sending all these smileys, like that, all और वे अपना दूसरा सब काम कर रहे होते हैं और स्माइली और सब कुछ ऐसा भेजते हैं आपको. All nonsense. ये सब कुछ घटिया है. Tell your neighbor. अपने पड़ोसी को बोलो पड़ोसी. This is real stuff. ये हकीकत की चीज है. अच्छा होगा कि इस समस्या को मैं प्रभु के पास ले जाऊं. हालेलुया. बोलो हालेलुया. Yes, I tell my leaders to pray. हाँ, अपने अगुओं से भाई कहते हैं प्रार्थना करने को. But I know. मगर भाई इस बात को भी जानते हैं. I will take it to the Lord in prayer. कि मैं खुद अपनी समस्या को प्रभु के पास ले जाऊंगा प्रार्थना में. Somebody say, complete it up, guys. Put it up fast. Hurry up. Everyone say, he cried out to the Lord. सभी लोग कहें, उसने प्रभु को पुकारा. No. Say it loud. These are my people. Come on, loudly say, he cried out to the Lord. That word cried. Did you hear the word cried? वो शब्द जो आया है पुकारना. That cry coming out of your heart. Oh God. Oh, yeah. और ये पुकार जो आपके दिल में से निकल कर आती है परमेश्वर. He cried out to the Lord. वो प्रभु को पुकार उठा. Now the second thing. और दूसरी चीज. When you cry out to the Lord. जब आप प्रभु को पुकारते हैं. He will show you. वो आपको दिखाएगा. Come on, somebody say he will show you. चलो कोई तो बोले वो दिखाएगा. सुनो. Please, what I'm sharing with you is powerful. Please write it down. Don't come to me afterwards and say what should I do? Don't do that, okay? और जो आपको बता रहे बहुत ही समस्या. Now this is a season of prayer. Everyone say season of prayer. और देखिए ये है प्रार्थना का दौर. Hello. Now you're tackling something big. और आप किसी बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं. You can't just pray for 15 minutes. Shukra bara bara bara. Oh, I cried for 15 minutes. I felt good. No. You are tackling some big mountain. So you need to enter a season of prayer. Everyone's a season of prayer. अगर आप बड़े
अगर देखिए आप प्रार्थना के दौर में से गुजर रहे हैं तो आप इसे 15 मिनट की प्रार्थना करके आप अच्छा महसूस नहीं कर सकते हैं. आप बड़े पहाड़ का सामना कर रहे हैं तो आपको प्रार्थना के दौर में प्रार्थना करना होगा. When you enter a season of prayer, और जब आप ऐसे प्रार्थना के दौर में कदम रखते हैं. Hello? Let's say you're facing a big financial problem. और मान लीजिए पैसों की बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रहे हो. You're facing some big sickness. और किसी बड़ी समस्या का बीमारी का सामना कर रहे हो. Don't expect some 5 minutes of prayer. No. I told you about Nehemiah. Didn't I tell you? अपेक्षा मत करो कि 5 मिनट की छोटी सी प्रार्थना के जरिए काम हो जाएगा. नहीं. Now when you enter the season of prayer, जब आप प्रार्थना के उस दौर में कदम रखते हो, the second thing is the Lord will show you. Everyone say the Lord will show you. ऐसा होगा कि प्रभु आपको दिखाएगा. Now, how does he do it is, और कैसे वो ये करता है? He shows it through dreams and visions. वो स्वप्न और दर्शनों के जरिए ये करता है. How many listening right now? किधर सुन रहे इस वक्त? Usually when people are in fasting and prayer and seeking God in a season of prayer, God will give them dreams, God will give them visions, God will give them a word. Do not neglect those things. अक्सर लोग जब प्रार्थना और उपवास के सत्र में होते हैं तो परमेश्वर स्वप्न के जरिए दर्शनों के जरिए उन बातों को दिखाता है. तब उन बातों को आप नजरअंदाज मत करो. Will show you those things that are standing between you and your miracle. और वो उन चीजों को आपके सामने दिखाएगा जो आपके और आपके चमत्कार के बीच में खड़ा है. He will show you the things that you need to do. और आपको ऐसी चीजें वो दिखाएगा जो आपको करने की जरूरत है. Everyone say plan of action. सभी लोग कहें कार्य की योजना. Come on, talk to me somebody. चलो जोर से बोलो कोई तो. Said everyone plan of action. Now this is where people miss the boat. और यहीं पर लोग जो हैं अपने नाव से चूक जाते हैं. Said after me, he cried out. सभी लोग कहें. The Lord showed him. वो पुकार उठा और प्रभु ने उसे दिखाया. Now when we cry out, देखो जब हम पुकारते हैं, we expect God to do everything. और हम अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर ही सब कुछ करे. Come on. He showed him a tree. परमेश्वर ने उसे एक पौधा दिखाया. Showed him what? क्या दिखाया? A tree. एक पौधा. Now listen to this. अब सुनो. Said everyone, he showed him a tree. Now what if Moses would have said, listen. क्या होता अगर मूसा ने कहा होता? सुनो. Lord. प्रभु, I cried out here. मैंने तो पुकारा है आपको. And the water is still bitter here. और पानी अभी भी कड़वा है. Not fair, Lord. ये ठीक नहीं है प्रभु. Not fair. So the music बजा थोड़ा अच्छा लगेगा. ये ठीक नहीं है प्रभु. Bang, you know all that stuff. Hey Moses. Hey Musa. You cried out to me. तुम मुझे पुकारे. I showed you a tree. और मैंने तुम्हें एक पौधा दिखाया. What did you do? तुमने क्या किया उसे लेके? Well, what do I know? मैं जानता इस बारे में. Hello, listen. सुनिए. Tell your neighbor again. Now, please don't miss what I'm saying. जो भाई बोलने जा रहा है उसे चूको मत. I'm facing a trial. मैं परीक्षा का सामना कर रहा हूँ. I cry out to the Lord. और मैं प्रभु को पुकारता हूँ. He showed me a tree. और उसने मुझे एक पौधा दिखाया. You missed this step. इसी कदम को उठाने सब चूक गए. How many listening right now? कितने लोग सुन रहे हैं? Please listen. ध्यान से सुनो. God is not a man that he should lie, nor the son of man that he should repent. Has he spoken and will he not do it? When you pray to the Lord, when you cry out to the Lord will show you the plan of action. मनुष्य इंसान नहीं है कि अपनी इच्छा बदले. मनुष्य परमेश्वर जो है वो मनुष्य का पुत्र नहीं कि अब जो उसने कहा है उसे वो पूरा ना कहे. Hello. If this was a bigger retreat or something like big time, I would have showed you how it works. Okay. अगर ये कोई बड़ी retreat जैसा होता तो आपको दिखाया होता कैसे किया जाता है. He uses that plant. और देखिए उस पौधे का इस्तेमाल करता है. When he cast it into the waters. और जब उसने उसे पानी में डाला. Everyone say plan of action. सभी लोग कहें. In action. He cast it into the waters. That time the waters were made sweet. Now listen to me. He cried out to the Lord and the waters were made sweet. You are jumping from year to year. और देखिए उसने प्रभु को पुकारा और वो पानी एकदम मीठा हो गया. देखो आप वहां से यहां कूदते हैं. कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? He cried out to the Lord. वो प्रभु को पुकारा, प्रभु मेक द वाटर स्वीट, पानी को मीठा कर दे. स्टिल बिटर, छे नहीं मांगता लो, अभी भी कड़ा नहीं चाहिए प्रभु. फूलिश फेलो. व्हाट अबाउट 2 and 3? और दूसरा और तीसरे के बारे में क्या? टेल योर नेबर, दिस इज वेयर यू मिस द बोट बिग टाइम. अपने पड़ोसी को बोले कि यहीं पर बहुत बड़ी गलती हो जाती है आपसे. How many listening right now? कितने लोग सुन रहे हैं? Please don't get wrong with all the youngsters. Please listen to me. नौजवान लोगों को गलत मत समझो. You're praying to get married, some of you. आप ऐसे कुछ लोग शादी करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. Plan of action. कार्य की योजना. Lose weight. अपना वजन घटाओ. No, don't laugh at me. मजाक नहीं. Don't laugh at me, because you don't know scene B. When I show you your photo, show the photo, your photograph to somebody, he says the girl is good, but brother, I'm so skinny and she's like beanie, you know. I'm serious. गंभीरता से कह रहे हैं. You want to jump from step 1 to step 2? आप सीधा पहले. Hello, can I give an example? क्या उदाहरण दे सकते हैं? This is it. यही है. You want to come out of debts? आप कर्जे से बाहर आना चाहते हो?
Plan of action. कार्य की योजना. You want your husband to love you, but you got a voice like a buffalo, like this. आप चाहती हो कि आपका पति आपसे प्यार करे, मगर आपके पास भैंसे की जैसी आवाज है. With others, you talk very sweetly. Hello. दूसरा बड़े हेलो अच्छे से बात करती हो. Don't laugh. हंसो मत. You only know scene A, but we pastors know scene A and scene B also. आपने सिर्फ सीन ए दृश्य ए को देखा है. पासबान लोग ए और बी दोनों को जानते हैं. One woman came to me and says, एक महिला आकर I don't have a child. आकर कहने लगी मुझे बच्चा नहीं है. I said, you're not Mary. मैंने कहा तुम मरियम नहीं हो. Only Mary had a child without a husband. Where's your husband? He's on the ship. सिर्फ मरियम को ही बिना पति के बच्चा हुआ. God. तुम्हारा पति कहाँ है? वो जहाज पर है. I said, get your husband to stay with you. No, when he comes, he stays his mother's place. And how will you get a child? अपने पति को बुलाओ और रहे तुम्हारे साथ. Stay with your husband. Everyone say, plan of action. Tell your neighbor. They look so spiritual. I have no child for the past 3 years. बड़ा आत्मिक ऐसा दिखाई देता है कि पिछले 3 साल से मुझे बच्चा नहीं है. Can you pray for me? I prayed over 30 times. Now how many of you know, even if I sit on her and pray, nothing will happen. 30 बार उस पर भाई ने प्रार्थना किया. कितने जानते हैं उस पर बैठ भी जाए प्रार्थना करे कुछ नहीं होगा. I went to Pastor Michael's meeting, Brother Michael's meeting. कुछ नहीं होगा. अरे कुछ नहीं होगा. Plan of action. Put it into action. Tell your neighbor, put it into action. काम पर लगाओ. बाजू वाले को देखकर बोलो, देखकर बोलो, देखकर बोलो. No, you're laughing. Laugh. आप हंस रहे हैं. हंसो. The crazy people. पागल लोग हैं. Another guy wrote to me. I'm waiting for a job. I said, where did you apply? I'm waiting for the Lord. अरे? मैं नौकरी के इंतजार में हूँ. तुमने apply किया? Excuse me. Gabriel is your postman or what? जिब्राइल तुम्हारा postman है क्या? I'm waiting upon the Lord. Waiting, waiting. You're putting on weight. Waiting, waiting. I'm praying for the, to the Lord. I'm praying to the Lord for a job. If you're praying to the Lord for a job, plan of action. Start applying. अगर आप प्रभु से इंतजार कर रहे हैं अच्छी नौकरी पाने की तो सबसे पहला अप्लाई करो. Somebody shout a hallelujah. कोई चिल्लाएगा हालेलुया. मैं ना प्रभु से अच्छा घर के लिए प्रार्थना कर रही है. ए, घर पे बैठ के प्रार्थना कर रही है क्या? घर ऊपर से गिरेगा क्या? Go and check from the builders. Check. Brother, I don't have money. Who said about money? Go and check. Somebody say amen. जाकर पता लगाओ. कोई कहेगा amen. You pray. आप प्रार्थना करो. Come on, come on, come on, come on, come on. चलो, चलो, चलो. Now are you getting me? अब आपको समझ में आ रहा है? Yeah. जी हाँ. People of God. परमेश्वर के लोगों. When you're facing a trial. जब आप परीक्षा का सामना कर रहे हो. God will show you what you need to do. परमेश्वर आपको दिखाएगा क्या करने की आपको जरूरत है. God will show you how to go about it. परमेश्वर आपको दिखाएगा कैसे आपको आगे बढ़ना है इसके लिए. And see, this is how the miracle happened. This is how you overcome the trial. और इसी तरीके से चमत्कार हुआ और इसी तरीके से आप अपनी परीक्षाओं पर जय पाते हैं. Somebody shout a hallelujah. कोई चिल्लाएगा हालेलुया. Peter had a trial. और पतरस के सामने परीक्षा थी. Peter had a trial. पतरस के सामने परीक्षा खड़ी हुई. Jesus told him. यीशु ने कहा. Come on, praise the Lord. प्रभु स्तुति हो. Hello. This is the thing, church. ये है वो चीज़ कलीसिया. God will always show you what you need to do. परमेश्वर हमेशा आपको दिखाएगा आपको क्या करने की ज़रूरत है. Say it after me. The tree stands for the cross. Come on, come on. Say it after me. The tree stands for the cross. He cast the cross on the waters. और ये पौधा जो है वो क्रूस का प्रतीक है. उसने क्रूस को पानी में डाला. Let the cross have its work in you. होने दो कि क्रूस आप में अपना कार्य पूरा करे. Say it, everyone. Let the cross have its work way in you. और सभी लोग कहे क्रूस को आपका काम आप में करने दो. When a trial comes, God is dealing with you. और जब परीक्षाएं आती तब परमेश्वर आपसे निपट रहा होता है. Dealing with that anger, उस गुस्से से निपट रहा होता है. Bitterness, उस कड़वाहट से निपट रहा होता है. And you say, no, 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 I want a miracle. No, no, God is dealing with you. और आप कहते हैं नहीं नहीं मुझे चमत्कार चाहिए. नहीं, परमेश्वर आपसे निपट रहा है. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. Hello. You know, can I share this with you? क्या चीज बांट सकते हैं आपसे? You know, there was a time in my life I was asking God to increase the anointing upon my life. भाई के जिंदगी में भी ऐसा दौर था जब प्रभु से कह रहे थे कि इनके जिंदगी पर अभिषेक को बढ़ाए. Listen to this. सुनो. Hello, how many of you listening? कितने सुन रहे हैं? Listen. And I would pray and seek the Lord. और प्रार्थना करके प्रभु की खोज करते. And one day the Lord said. और फिर एक दिन प्रभु ने कहा. Son, बेटे. Never speak against any man of God.
परमेश्वर के किसी भी जन के खिलाफ में कुछ बात मत करना. Never speak against any woman of God. परमेश्वर किसी भी महिला के खिलाफ में कुछ बोलना नहीं. And the Lord showed me. और फिर प्रभु ने दिखाया. How people would sit and gossip about men of God. How people would sit and gossip and pull down women of God. She's like that. He's like that. He did like that. He did. People over supper, husband and wife, talking about this one, talking about that one. And then the Lord showed me, said, son, this is why they never see a breakthrough in their lives. और दिखाया प्रभु ने ऐसा कि लोग कैसा बैठते हैं और परमेश्वर के इस जन उस जन के बारे में बस कानाफूसी करना शुरू कर देते हैं और इसी वजह से अभिषेक किसी ने बढ़ता नहीं. I'm talking about pulling down people. और अच्छी चीजों के बारे में नहीं कह रहे हैं मगर बोल रहे हैं ऐसी चीजों के बारे में जिससे कि उनको नीचे डाला जाए. That day I decided. उस दिन भाई ने फैसला किया. Lord, प्रभु, I rather pray for people. अच्छा होगा कि मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूं. Rather than pull people down. लोगों को नीचे डालने के बजाय. How many listening right now? If I have an issue, I'll go and talk to that person face to face, solve it, resolve it, try to put my ends. It's not only have my way. 20 here, 20 there. Let's finish it. How many are listening right now? सामने जाकर सुलझाएंगे बात को. Christians after meeting they sit and gossip. The anointing just leaves you. और मसीह लोग जो है सभा के बाद में बस बैठते हैं कानाफूसी और चापलूसीगिरी करते हैं अभिषेक चला जाता है. I'm talking to you. आपसे बोल रहा हूं इस वक्त. This is what God dealt in my life. और इसी चीज को भाई ने परमेश्वर ने निपटा इनकी जिंदगी में. How many are listening right now? इधर सुन रहे हैं अभी. This is how there are many things God dealt in my life. और ऐसी बहुत सारी चीजें जो परमेश्वर ने भाई की जिंदगी में निपटा. It's not only fasting and prayer that brings the anointing of God upon your life. It does, but then God will start dealing with the core issues in your life. और सिर्फ उपवास और प्रार्थना ही आपकी जिंदगी में परमेश्वर का अभिषेक नहीं लाता. यकीनन ये लाता है मगर साथ ही साथ परमेश्वर आपकी जिंदगी के मुख्य मामलों को भी निपटना चाहिए. Can I share with you one more thing? क्या एक चीज बांट सकते हैं आपसे और? Can I share with you? You see, we are married for 17 years. और देखिए भाई कहते हैं कि शादी होकर इनके 17 साल हो गई है. And being under pressure, I would sometimes take out the pressure on my wife. और दबाव में होने के वजह से कभी-कभी अपना दबाव जो है अपनी पत्नी पर निकालते हैं भाई. And I said, God, these people don't understand me. और फिर प्रभु से कहते हैं कि प्रभु ये लोग समझते नहीं है. And the Lord said, son. और फिर प्रभु ने कहा बेटे. Will you learn to rely on me? क्या तुम मुझ पर निर्भर होना सीखोगे? How many listening right now? कितने सुन रहे? God gave me a, one day I was fasting and crying to the Lord. I said, Lord, I can't face this. The pressure is too much. The thing is too much. This one, that one, these things, home, family, ministry, government things, this, it's too much. और एक दिन प्रभु के सामने रोते हुए पुकार करने लगे कि अब मैं सहन नहीं कर सकता, मैं हार मान लेना चाहता हूं. ये सारी चीज कई साल पहले की बात है ये. And I was seeking the Lord. और फिर प्रभु की खोज करने लगे. And the Lord said, son. और फिर प्रभु ने कहा बेटे. Can you learn to lean on me? क्या मुझ पर टेका लेना तुम सीखोगे? And we would have fights at home, you know, not big fights, but you know that small thing. I'm a man of घर में झगड़े हो गए थोड़ा. And the Lord said, son. और फिर प्रभु ने कहा बेटे. Deal gently with your wife. सच्चाई से अपनी पत्नी के साथ रवैया दिखाओ. How many listening right now? कितने सुन रहे? Now all the women are happy. सारी महिलाएं खुश हो गई अभी. That's for you also. Deal gently with your husband. और ये आपके लिए भी लागू होता है कि अपने पति के साथ भी सच्चाई से रवैया दिखाओ. Praise the Lord. Suddenly the women are so quiet now. Hallelujah. Our man is happy. Okay, praise God. Listen to this. सुनो इसे. Listen to this. सुनो. And it was such a struggle for me. और इस ये बात भाई के बहुत संघर्ष से भरा हुआ था. Because I was a go-getter, you know. Hey, tak tak tak. Hey, come on. I was like that. अपने कामों को झट से पूरा करना है। Deal gently with your children. Don't be a general, be a leader. प्रभु ने कहा कि अपने बच्चों के साथ भी सही रवैया दिखाओ. Don't be a general. ऐसा कोई सेना प्रमुख मत बनो. अगुआ बनो, अगुआ बनो. I started loving my children. अपने बच्चों को प्यार करने लगे, चुमने लगे उन्हें. God brought a change. परमेश्वर ने बदलावट को लाया. And the other side. और दूसरी ओर. I saw the anointing increase in my life. और अभिषेक भी इनकी जिंदगी बढ़ते हुए देखने लगे. There's anybody called a C over here? Who is a C? C? Who's a C? What's his name? Viewers, Cleve. Cleve, stand over here. Stand over here. Stand over here fast. Stand over here fast. When I was praying for, I saw C. I don't know whether, because I don't know this person standing next to your C, right? Your C, Cleve on. Do you want another job? Yes. That's what you're praying for? You're praying for the job. Talk to me loudly. I'm praying. You're praying. Come here fast. Take 3 steps. Thank you, Lord. 1, 2, 3, stop. Hallelujah. Within these 3 months, God is going to release a job that will make you to serve Him, to love Him in Jesus' name. Amen. This is your desire. Now watch this. Somebody lift your hand and shout hallelujah.
said, Lord, I want to serve you. आपने बोला प्रभु आपकी सेवा करना चाहता हूँ. Yes. You said, give me a job that will serve. I can serve you, Lord. आपने कहा कि मुझे ऐसी नौकरी दे प्रभु जिसके जरिए मैं तेरी सेवा भी कर सकूँ. Right. God says. परमेश्वर कहता है. I'm releasing a job to you that will make you to serve me, love me, and even you don't have to leave your job. Listen, one more thing. Right. You wanted to serve God, leaving your job. Right. I'll be joining training tomorrow with a Saturday Sunday off. That's what I was praying for. Tomorrow I'll be joining the. Be joining. Did you tell itself. Me all that stuff? No. How God knows here. Listen, sir. You said, God, I will even leave my job to serve you. Had done it once and was thinking again. Shaka mama tako soka prede. God says you will work. And you will serve the Lord. Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Sister's name is Corinne from Marine Lines. Hi, Corinne. Hey, Corinne. I am Marine Lines. For the last 1 year, she was not very happy with her job. और पिछले एक साल से अपनी नौकरी से खुश नहीं थी. She was praying for a job with an increment. और ऐसी नौकरी के लिए प्रार्थना कर रही जिसमें तरक्की भी हो. Few Sundays ago. कुछ संडे पहले. Brother prophesied that they will be managers. और भाई ने ऐसी भविष्यवाणी किया था कि लोग मैनेजर बनेंगे. She received a call from a company of designer Tarun Thailani. और इन्होंने कंपनी से कॉल को पाया. And she got a job. और इनको नौकरी मिल गई. And she's received double the package that she was asking. और जिस बात की मांग और अपेक्षा कर रही थी उसका दुगना इनको मिला. Plus incentives. साथ में और भी सुविधाएं. I can see some people being delivered from jealousy, but all of them. हैं कुछ लोगों को जलन से छुटकारा मिल रहा है. Somebody shout hallelujah. कोई चिल्लाए हालेलुया. I see you traveling to different nations also. और भाई देख रहे हैं कि आप अलग-अलग देशों में भी सफर कर रही हो. Nations which you haven't traveled now, you will travel in this year in Jesus' name. ऐसे देश जहाँ पर आपने अभी तक सफर नहीं किया इस साल में आप सफर करोगे यीशु के नाम में. Bless you and your family in Jesus' name. आप और आपके परिवार को आशीष देते हैं यीशु के नाम में. This is Sister Agnes D'Souza coming from Bandra. एक नाम Agnes D'Souza आई है बांद्रा से. She was praying for a second child for her son's family, and. You know, I had brought one photo when my first daughter was just a small baby, and then you asked me, "What do you want?" I said, "I want a second grandchild for my daughter," and then you prayed so mightily. This beautiful son has come in our life. It's been 4 years. Wow, this is amazing. I prayed over this lady. She said, I asked her, what do you want? She said, I want a grandson. And the Lord said that, you know, that you will have a grandson. Here's the grandson. और ये रहा पोता. Maybe you don't want a grandson, but maybe you want a miracle. Lift your hand, trust in the God who gave this. Lift your hand. आपने हाथ उठाइए परमेश्वर भरोसा करें जिसने ये दिया. Don't act smart, okay, guys. Lift your hand and say, Lord, I ask you for miracle, my miracle today in Jesus' name. अपने हाथ उठाकर बोलिए प्रभु मैं आपसे मेरा चमत्कार मांगता हूँ आज यीशु के नाम में. May your children be blessed with wisdom, knowledge, and understanding in Jesus' name. और ये बच्चे आशीषित होएं बुद्धिमानी समझदारी और ज्ञान से यीशु के नाम में. This brother's name is Wenzel Verma. He comes from Thane. ये भाई आए हैं थाने से. Were you there yesterday? You were there. Wow. Hurry up. His wife had asked for a divorce. You handsome man, wife asking for divorce, it will not happen. पति ने से मांग की तलाक लेने की. So this brother prayed, and his J12 leader also prayed for him through diamond booklet. Who is your J12 leader? कौन है आपका जो? Terence. It's Terence D'Souza. Good job. Barreto. TB, good. Terence Barreto. Yes. So when the lawyer came with the papers. तो जब वकील कागजात लेकर आए. That time she took down her, she cancelled her this plea for divorce. तो उसने रद्द कर दिया तलाक के कागजातों को जो भी था. And then she was wondering. Wondering. Yeah, she was wondering what magic did you do on me? और हैरान पड़ के सोचने लगी, पूछने लगी कौन सा जादू तुमने किया मुझ पे? Magic नहीं है, यीशु का सामर्थ्य.
Father, we pray for this man. Listen. Sita prarthana karte hai is vyakti ke liye. Listen, I want you to go on a 3-day fast. Okay, listen carefully. Yes, brother. You'll go on a 3-day fast. There is evil patterns of marriage in your family. Yes, brother. Okay, these things happened in your family also. The Lord is breaking those evil patterns over your life right now in Jesus' name. As I break over here, you're being delivered. I break a curse over this in Jesus' name. शाप को तोड़ देते इस समय यीशु के नाम में। और परमेश्वर लोगों ने कहा, handsome people like him getting divorced, forget it. Not getting divorced, go. You're going to see your bachas, go. This brother named Georgie George. He says, Georgie George है। In the end of December, end week of December 2016, he sold into the God's house. और दिसंबर के पहले आखिरी हफ्ते में इन्होंने परमेश्वर के भवन के लिए बीज बोया। And in the first week of January, he received a double amount of it into his bank account. जनवरी के पहले ही हफ्ते में इन्होंने अपने बैंक के खाते में दुगना रकम को पा लिया। Miracle money. This is miracle money. Wait, no, no, no. We want to see you, sir. Send this man to Dubai. I'm seriously telling you. Every time I pray for Mr. JG, okay? OG JG, okay? This man will be a big tycoon in Dubai very soon in Jesus' name. Amen. Listen. Big stuff is going to happen in that place. And you're not going to be based in Dubai. You're going to be based in different places. But you will be somewhere over there. You will be somewhere over there. I prophesy over your life in Jesus' name. Hallelujah. Entertainment, it's going to happen big time. I told you. Thank you, Father. Lord, I transfer this, I release this in Jesus' name. Everything of the past be wiped away with the blood of Jesus. Your prayers have been heard before the throne of God. Go, 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 go. You are going to be a CEO again. Go.